नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। खबर बलरामपुर से है, जहां पर आज भाजपा के जन विश्वास यात्रा जिले में प्रवेश की, जहां बलरामपुर गोंडा की सीमा पर ही कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्री दत्तगंज से कांधभारी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में यात्रा में शामिल कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक एवं राज्य मंत्री पलटू राम मौजूद रहे, जहाँ पर उन्होंने पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में उद्बोधन शुरू किया। इस दौरान माला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया, जहां पर जनता को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री पलटू राम ने कहा कि पूर्व सरकारों ने सिर्फ हमें लूटने का काम किया है। जो बजट पिछली सरकारों में दिल्ली से चलता था, मेनपुरी इटावा तक आते आते खत्म हो जाता था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए हैं, तब से यूपी में विकास की गंगा बह चली है। वहीं विपक्षी सरकारों पर तीखा प्रहार करते हुए कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि पहले जब हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता था, तब विपक्षी पार्टी के लोग कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। थाने पर विपक्षी नेताओं का कब्जा था, लेकिन योगी सरकार में मंचलों का रूह कांपता है। कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार में एक तरफ अयोध्या में हेलीकॉप्टर से स्वयं भगवान श्री राम उतरते हैं, तो वहीं दूसरी सरकार में सफाई में अश्लील डांस होता है। एक तरफ रामराज की तरह गरीबों को अन्न बांटा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछली सरकारों में खाद व अनाज के लिए जनता को लाइन लगाना पड़ता था। बलरामपुर से दामोदर शुक्ला की रिपोर्ट। इसलिए वो आपको भड़का सकते हैं कि पलटू राम मंत्री की गाड़ी कांधभारी चौराहे से गुजरी है, उन्होंने आपको नमस्कार नहीं किया है। वो आपसे कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हो सकता है इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपके पास हमारा न्योता ना पहुंचा हो, लेकिन मेरे मित्रों उनसे कह दीजिए कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मोदी और योगी जी का होना बहुत जरूरी है। जन विश्वास यात्रा 19 तारीख को अम्बेडकर नगर से शुरू हुई अवध क्षेत्र की, आज बलरामपुर जनपद में आई है। जी जन से लाखों की संख्या में बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, नौजवानों ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी 2022 के आम चुनाव में भी 350 से अधिक सीटें जीतेगी, दोबारा सरकार बनाएगी। जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में केवल गुंडों माफियाओं का राज होता है। थानों पर समाजवादी पार्टी के गुंडे कब्जा करके बैठ जाते हैं, सिपाही से लेकर कप्तान तक को पीटा जाता है, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक को बेइज्जत किया जाता है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही कानून का राज स्थापित कर सकती है, इसलिए लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है।